मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। 32 साल की एक महिला ने 15 साल के एक नाबालिग लड़के का यौन शोषण किया है, वो भी एक बार नहीं कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। कल्याण कुलसेवाड़ी पुलिस ने लड़के की मां की शिकायत पर महिला के खिलाफ बाल यौन शोषण अधिनियम के तहत FIR भी दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ जहां राज्य में महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कल्याण से हैरान कर देने वाला ये घटना सामने आया है, जहां 32 वर्षीय एक महिला ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग लड़के का बार बार यौन शोषण किया है। गिरफ्तार महिला का नाम कीर्ति घायवटे 32 वर्ष है, जो नासिक की रहने वाली है। पीड़ित लड़का अपनी दादी के साथ कल्याण में रहता है। आरोपी महिला नासिक की रहने वाली है और महिला के 2 बच्चे भी हैं। दरअसल लड़के की बुआ नासिक में रहती है और आरोपी महिला और लड़के की बुआ में माँ बेटी जैसा गहरा संबंध था। बुआ जब भी कल्याण में आती थी तो आरोपी महिला को साथ ले आती थी। इससे पीड़ित लड़के और आरोपी महिला कीर्ति की पहचान हो गई। पीड़ित लड़का भी अपने बुआ के घर नासिक आता जाता था, जिससे महिला लड़के को देखकर उसकी दीवानी हो गई और लड़का जान पहचान का होने का फ़ायदा उठाकर कीर्ति ने नाबालिग लड़के से जान पहचान और बढ़ा ली। कीर्ति ने तरह तरह का लालच दिखाकर लड़के से नज़दीकियाँ बढ़ा ली। महिला ने बंद कमरे में लड़के को बुलाकर जबरन शराब पिलाई। अपने मोबाइल फ़ोन में अश्लील वीडियो दिखाकर लड़के का दिमागी संतुलन बिगाड़ने का काम किया। कई बार लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला आरोपी खुद निर्वस्त्र होकर लड़के को निर्वस्त्र करके मोबाइल फ़ोन में वीडियो बनाई। इतना ही नहीं, लड़के को शराब की लत भी लग गई। लड़का आए दिन किसी ना किसी के फ़ोन से बात करता था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो उसकी माँ को शक हुआ और एक दिन जब लड़के की माँ ने उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया तो उसमें एक वीडियो देखा कि वो एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। इस पूरे वाकये के बाद लड़के की मां सदमे में चली गई और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब मां ने बेटे से इस बारे में पूछा तो उसने पूरी घटना बता दी। परिवार ने उसे भिवंडी शहर के बाल सुधार गृह में भर्ती कराया। बाल सुधार गृह विभाग द्वारा बच्चे की काउंसलिंग की जा रही है। उसके बाद कुलसेवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया और सोमवार को पीड़ित की माँ की शिकायत पर कुलसेवाड़ी पुलिस ने महिला के खिलाफ बाल यौन शोषण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। महिला आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की गई है। कुलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर निकिता भोईगढ़ ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। एक महिला है 32 साल की, जिसको हमने अरेस्ट किया है। उसको जब हिरासत में लिया तो ये सामने आया कि उसने 15 साल के बच्चे के ऊपर लैंगिक शोषण किया है। तो उसे कोसेवाड़ी पुलिस स्टेशन इधर 29 जनवरी 2023 को हमने रात को गुना दाखिल किया है। और CWC के आदेश थे पहले कि ये जानकारी किया जाए। तो जब बच्चा बाल न्याय बाल सुधार गृह भिवंडी यहाँ पे जाके उसको तहकीकात की और बाद में लड़की को जो महिला है उसको नासिक से इधर बुला के मतलब तहकीकात की तो ये सामने आया कि लड़का उस औरत का शारीरिक संबंध हुआ है या उसने लैंगिक शोषण किया है बच्चे पे। तो ये गुना दाखिल करके महिला को हमने गिरफ्तार किया है। महिला का बैकग्राउंड क्या है? महिला हाउसवाइफ है। उसका कलेक्शन को कुछ छोटा कपड़े का बिजनेस है और वो पति मतलब वो हाउसवाइफ है लेकिन पति से सेपरेट है। तो तब से ये बच्चे के साथ में वो ये थोड़ा ये करती है।